हेलो यूट्यूब, आज मैं बना रही हूँ कटवर्क। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई हैं कि कटवर्क बनाना बताएं, तो ये मैं ऑलरेडी मैंने बनाया है, ये आपको बना के दिखाती हूँ। जो यहाँ पे पैटर्न जो मैं यूज़ करूँगी वही सेम वही चीज़ यहाँ पे की है मैंने अप्लाई, तो इसलिए ये नहीं कि ये बड़े वाले आपने किस तरह से बनाए हैं, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं फिर। तो ये जिस तरह से मैं ये बनाऊँगी सेम उसी तरह से ही मैंने ये भी बनाया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें रनिंग स्टिच के साथ ये जो डिज़ाइन होता है उसकी बिल्कुल उस डिज़ाइन के ऊपर से हम ये रनिंग स्टिच बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाई है, दूसरी लाइन आपको बना के दिखा देती हूँ कि रनिंग स्टिच किस तरह से बनता है। इसे हम कच्चा टांका भी बोलते हैं। बस जस्ट आपने ये अब करना है कि जिस जो ये वाली स्पेस है इसको आपने कवर करना है। एक दफ़ा ये आपने बना लिया है, अब यहाँ जो है इसके नीचे से आएगा और ये वाला जो है इसके ऊपर आपको स्टिच नज़र आना चाहिए। ये देखें ऐसे, वो इसलिए है कि ये थोड़ा सा कवर हो जाए और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए ये वाली चीज़। थोड़ी सी इस तरह से पहले हम बाउंड्री बना लेंगे इसकी, और इसके लिए आप कोई सा भी धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डीएमसी है तो वही आप करेंगे, जो भी आपको मिलता है धागा। ये मैं इसका गोले वाला धागा इस्तेमाल कर रही हूँ डीएमसी का, जो बॉल में होता है। तो आप लोग अगर वो बॉल वाला आपको नहीं मिलता तो आप दूसरे वाला जो स्ट्रैंड्स वाला होता है, जो लच्छी होती है, उसकी आप यहाँ पे कच्चा करने के लिए या रनिंग स्टिच के लिए आप उसकी 3 स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे। रनिंग स्टिच के लिए आप उसकी 2 स्ट्रैंड्स या 3 स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपको गोले वाला मिल जाता है तो फिर आप यूज़, वो तो होता ही सिंगल है, तो आप ऐसे एज इज यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया रनिंग स्टिच की। हमने क्या किया है, 2 दफ़ा किया है, एक पहले और फिर उसके ऊपर से दूसरे वाला। ठीक है, और अब हम इसकी बार्स बनाएंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी बड़ा डिज़ाइन लेते हैं जिसमें स्पेस ज़्यादा हो तो उसके लिए आपको बार्स बनानी पड़ती हैं। फिर अगर आप इतना फ्लावर बनाते हैं इस साइज़ का होता है तो उसमें आपको ये वाली बार्स नहीं बनानी होती, वो सिंपल वैसे ही आप कट कर लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरह बड़े वाला बनाते हैं तो फिर आपको बार्स चाहिए होती हैं ताकि वो उसके गैप को कवर करें और उसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, अब ये हमने रनिंग स्टिच कर लिया है, ये भी रनिंग स्टिच है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 बार्स दे देंगे, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर। अब ये देखें, आपने इसके अंदर से ही यहाँ से ऐसे किया, ये हो गया सेकंड टाइम। और हाँ, एक चीज का और ख्याल रखना है आपने, जिस साइड पे ये, अब जैसे ये नीचे गया है तो ये इस तरह से धागा नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये यहां से हम करेंगे। अगर वो नीचे से धागा आएगा तो फिर तो वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये देखें ये बन गया। अब हम इसे कवर करते हैं। अब कवर करने के लिए कुछ लोग तो करते हैं कि वो ब्लैंकेट स्टिच यूज़ करते हैं। ठीक है,
कुछ जो है वो जस्ट इसी तरह से राउंड राउंड कर लेते हैं, तो हम राउंड ही करेंगे क्योंकि जो ब्लैंकेट स्टिच होता है उसका एक फेस बन जाता है कि ये इस साइड को ही बनेगा। तो ये जो राउंड होता है ये ऐसे ही यूनिवर्सल सी चीज़ होती है कि ये चलता है किसी भी तरफ, इसका फेस इसका कोई होता ही नहीं है, ये जस्ट इस तरह से आपने यूं यूं कर लिया, ठीक है। और ये देखें हम ये ऐसे। अब हम दूसरी बार जो बनाएंगे, अब हम इस तरह से धागे को करेंगे कि कहीं ये बाहर अंदर वाली साइड पे हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि हमने हम तो कट वर्क बना रहे हैं तो अंदर कोई और चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। हम ये अब हम यहाँ बना लेते हैं, और ये बार्स अगर आप चाहें तो सेम कलर की भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये देखिए मैं उसी साइड से, जिस साइड से मैं सुई नीचे लेके जा रही हूँ, इस साइड से ले गई तो उसी साइड से ही मैं सुई ऊपर निकाल रही हूँ। ये नहीं कि मैं दूसरी साइड से निकाल रही हूँ, क्योंकि इस तरह से फिर वो नीचे से हमें उसको कवर नहीं करना है ऐसे। अब देखिए मैंने दोबारा वहीं से उसी साइड से निकाल ली। अब हम इसे, और ये कपड़े के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ये जस्ट धागों के नीचे से आनी है ऐसे। ये देखिए ये इस तरह का स्टिच है, इसे थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग ये इसमें अगर आपसे एक दफ़ा थोड़ी गलती हो गई, कोई मिस्टेक कोई भी होगी, तो वो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बड़ी तसल्ली के साथ बड़े आराम से आप लोग बनाइए इसे। ये मैं इसलिए फिंगर ऐसे यूज़ कर रही हूँ ताकि वो धागा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो। ये नहीं, अब ये दो बार्स बना ली हैं मैंने। अब हम इस साइड पे निकाल देते हैं इसे। अब ये देखें ये धागे जो हैं, ये बार्स हमें इस साइड पे नज़र आ रही हैं, इस साइड पे बिल्कुल सरफेस प्लेन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इसको काटना है, ठीक है। काटने के लिए अब पहले आप यूं इस तरह से करेंगे, इसके सेंटर में छोटा सा कट ऐसे लगाएंगे, और फिर यूं अब ख्याल करना है कहीं बार ना काट लें आप, बहुत ध्यान से इसे काटना है आपने। ठीक है, ये देखिए काट गया। अब अगर आप चाहें तो बैक साइड से आप इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन बार को आपने फील करना है कि आपने कहाँ पे बनाई है ऐसे। और ये अब क्योंकि ये गुलाई में है थोड़ा सा, तो हमें ये इस तरह से थोड़े थोड़े से इसको ऐसे कट लगा देने ताकि वो अच्छी तरह से फोल्ड हो सके। अब इधर भी हम एंड तक इसे ले जाएंगे। अब हम इसे फिल करेंगे साइडों को। कई लोग ऐसे करते हैं कि ये पूरा बना लेते हैं पहले बटन होल स्टिच के साथ और उसके बाद इसे काटते हैं, लेकिन उससे काटने से क्या होता है कि इसके धागे नज़र आते हैं फिर भी। तो अब लेकिन मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, आपने जो करना है वो आपने इस तरह करना है। ज़्यादा बेहतर है अगर आप इसको एक और लाइन इसके साथ साथ इधर एक लाइन ड्रा कर लें कि आपने कितना इसे चौड़ा रखना है, तो उससे क्या होगा इतना कितना वाइड होगा ये वाला स्टिच जो है, तो आप लोग बिल्कुल एक ही जैसा सेम बनाएंगे आप।
अदरवाइज अगर गैस करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें आप, कोई मसला नहीं। ये एक्चुअली ज़्यादा जो सेम एक ही शेड जिस शेड का कपड़ा होता है उसी शेड में बनता है। ये मुझे वाइट ही बनाना था, लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। ये आपने सिंपल इस तरह से करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने बटन होल स्टिच के साथ करना है तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं। ना इसे आपने ज्यादा पुल नहीं करना, धागे को खींचे नहीं आप इसे, जस्ट बड़े आराम के साथ आपने इसको करना है। अब इस तरह से करें, अब नीडल के साथ यूं ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर दें इसे। बिल्कुल आपने साथ साथ ये स्टिच लेने, इसका डिस्टेंस आपने ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो कपड़ा नज़र आएगा और उसके अलावा फिर वो धागे भी बाहर निकलेंगे। ये देखिए ऐसे आपने करते जाना है, यूं किया और ये फिंगर के साथ मैंने इस तरह दबाया हुआ है, ये देखिए फिंगर के साथ। ये इस तरह अब बार आ गई है तो आपने ऐसे ही, अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे बार है, आप बार यहाँ पे ऐसे आपको निडल नीचे लेके जानी पड़ेगी उसके जो धागा है बार का उसके थ्रू, और दोबारा फिर ऐसे, क्योंकि वहां पे आप गैप नहीं छोड़ सकते अदरवाइज आपको कपड़ा नजर आएगा नीचे से। अब दोबारा से बाहर आ गई, तब दोबारा आप यूं कपड़ा इसी तरह से आपने सुई के साथ अंदर की तरफ पुश करना है, और जहाँ से आपको लगे वो नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप कट और मज़ीद बढ़ा लें ताकि वो इजीली हो जाए। और आपने कोई भी किसी फ्लावर में ये इस तरह से हो, किसी फ्लावर की शेप में हो, या किसी बिल्कुल छोटा सा साइज़ हो, अगर स्मॉल साइज़ है फिर तो उसमें बार की भी ज़रूरत नहीं, आपने जस्ट बनाना है इस तरह से।
और आप इसे फ्लावर की शेप में भी अगर कटवर्क है तो बिल्कुल सेम इसी ही तरीके से आपने बनाना है। अब आप इस वाले साटन स्टिच से आप कर सकती हैं, या आपको वो दूसरा स्टिच चाहिए, बटन होल स्टिच सही चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। बना के आप देख लें कि बटन होल स्टिच से कैसा लगता है, अगर आपको वो ईजी लगता है या वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उससे बना सकते हैं। बस इसमें मेन चीज़ जो है वो रनिंग स्टिच है, कि आपने रनिंग स्टिच से इसको करना है और उसके बाद आपने इसको बार्स बनानी है, बाकी स्टिच आपने अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना है। और इसे आपने हूप के ऊपर टाइट रखना है, कपड़े को लूज़ नहीं करना। अब आपने ये देखें, आप ऐसे जो ज़्यादा का डाला है वैसे ही आप यूँ इस तरह से आपने यूँ ऐसे करना है, क्योंकि ये इतना छोटा कपड़ा होता है कि आप आयरन करके इसे उस तरफ दूसरी साइड पे मोड़ नहीं सकते। कई लोग कहते हैं कि आप आयरन करके मोड़ लें, तो आप आयरन करके इसे कर ही नहीं सकते क्योंकि इतना बारीक सा ये होता है। और इसे थोड़ा सा आपने इतने साइज़ का तो एटलीस्ट आप रखेंगे ही, अगर इससे छोटा साइज़ रखेंगे आप तो बिल्कुल वो अंदर की तरफ टर्न कर जाएगा। फिर क्योंकि मशीन के साथ कट वर्क जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ज़ाहिर है मशीन है, मशीन के साथ करते हैं और उसको वैसे ही वो काटते हैं कपड़े को, इस तरह से कट नहीं करते, तो इस वजह से उसके मुड़ने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जो हाथ के साथ हम करते हैं उसके लिए थोड़ा सा होता है कि आपको थोड़ी सी ये वाली जो चीज़ बाउंड्री है थोड़ी सी वो आपको वाइटर रखनी होती है। ये देखिए ऐसे सेम आप इस तरह से मोड़ते जाएं, फूल की पत्तियों का साइज़ जब आप देखें कि आपकी लीव्स कितनी बड़ी साइज़ की हैं, अगर तो इस साइज़ की हैं तो फिर आप बार नहीं बनाएं, क्योंकि वो फिर नज़र ही नहीं आएगी उसमें, कटवर्क तो नज़र ही नहीं आएगा अगर आप बार बना लेंगे तो, और उससे वैसे भी इतना बार की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती इतने साइज़ का। अगर बड़े साइज़ की हैं तो फिर आपको थोड़े डिफरेंट स्टाइल से उसको बार्स देनी पड़ेंगी। कई लोग कहते हैं कि बुकरम वगैरह लगा के आप लोग कर लें, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो फिर जितनी आप बुकरम लगाएंगे उसके बाद जब आप उसे उतारेंगे वो बहुत ज़्यादा वहाँ से स्ट्रॉन्ग सी एक हो जाएगी, हार्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा कपड़ा वहाँ से, और जब आप उतारेंगे तो वो बहुत मुश्किल करेगा आपको, तो वो सेम एक जैसा टेक्स्चर नहीं रहेगा कपड़े का। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप इस तरह से ही कोशिश करेंगे, ये हो जाए तो बेहतर है, आपसे एक दफ़ा ट्राई करें आप रफ कपड़े के ऊपर, दूसरी दफ़ा करें, बार बार जब आप रिपीटेडली एक काम करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्योंकि थोड़ी हर काम के लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और इस स्टिच के लिए थोड़ी चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि इसको आपने काटना कैसे है, फिर आपने इसको कैसे कंट्रोल करना है, उस कटे हुए एजेस को किस तरह से कंट्रोल करना है। और यूं आप इसका कॉर्नर साफ बनाएंगे यहाँ से। ये देखें, ये बैक साइड से भी आप देखें, कहीं से आपको जस्ट बार वाली जगह से ये कपड़ा नजर आ रहा है, बाकी सारा इसके अंदर चला गया है कपड़ा। तो इस तरह से हमने कपड़े को इसी तरीके से ही काटना है, आपको किसी और तरीके से नहीं काटना कपड़े को, जस्ट आपने सेंटर से काटना है। अब आप अगर चाहें तो इस कपड़े के साथ नीचे अगर आप कोई और शेड दें, जैसे ये देखिए, ये मैंने वाइट के नीचे वाइट लगा दिया ऐसे कपड़ा, ठीक है। अगर आप किसी और कलर का कपड़ा चाह रहे हैं कि आप कोई और कलर का कपड़ा लगाएं, तो आप किसी और कलर का कपड़ा भी नीचे लगा सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा उसको डिफरेंट लुक देना चाह रहे हैं। तो आप अगर एज इज़ भी रखना चाह रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने साटन स्टिच के साथ किया है, ये भी साटन स्टिच के साथ बनाया है। आप किसी भी तरह का कुछ भी, कोई भी फ्लावर अगर जो भी है आप बना सकते हैं। और मैंने DMC का धागा यूज़ किया है इसमें, और ये नीडल मेरी बहुत पुरानी नीडल है, एक्चुअली मुझे इसका अब नंबर भी याद नहीं है। तो इसमें आप कोई भी नीडल यूज़ कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ये वाली नीडल हो। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।